हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज़। आई एम दानिश जमील। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हम लोग घर पे ही पीसीबी को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, पीसीबी कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा कि आपके पास एक पीसीबी होना चाहिए और ये प्रिंट होना चाहिए, जिसको कि आपको पीसीबी पे प्रिंट करके आपको पीसीबी बनाना है। ठीक है, आप इसको सॉफ्टवेयर पे बना करके आप इसको प्रिंट करा ले ग्लॉसी पेपर पे और कुछ इस तरीके से कटिंग कर ले, मतलब कि इस पीसीबी बोर्ड के हिसाब से कट कर ले। ठीक है, ये दोनों को एक्चुअल साइज पे कट कर दें। अब जब ये साइज पे कट हो गया तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये पीसीबी ले करके आपको इस तरीके से रब करना है, इसे अच्छे तरीके से रब करना है। जो भी यहाँ पर फंगस वगैरह होंगे, जो कुछ भी होंगे, वो क्लीन हो जाएंगे, एकदम क्लीन हो जाना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से क्लीन है आपको उसे क्लीन कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस पीसीबी को लेना है और इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको सेलो टेप के थ्रू या फिर किसी चीज के थ्रू आपको क्या करना है, चिपकाना है। इस तरीके से आपको चिपका लेना है, ठीक है, ताकि हमारा जो ये पेपर है, ग्लॉसी पेपर जो है, पीसीबी के साथ एकदम फिक्स रहे। ठीक है, जब हम इसे प्रेस करें तो ये हिले नहीं। इस तरीके से आपको कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे फिक्स कर दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। जब ये हो जाएगा तो आपको आयरन लेना है। आयरन के थ्रू आपको क्या करना है, आयरन के हेल्प से आपको इसे प्रेस करना होगा आपको इसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक आपको प्रेस करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से मैं प्रेस कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, आपको 10 मिनट तक ऐसे प्रेस करना है। आफ्टर 10 मिनट क्या करना है आपको, जब ये 10 मिनट पूरा हो जाए, आप बढ़िया से जब प्रेस कर लें, आपको लगे कि हाँ बढ़िया से ये चिपक गया होगा आपस में। ठीक है, जब ये हो जाए तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल वाटर लेना है। इस तरीके से किसी भी चीज़ में आप नॉर्मल वाटर इस तरीके से ले सकते हैं और आपको इसको इसमें डाल देना है, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा हॉट हो गया है। ठीक है, तो अब इसे क्या करना है, इसे इसमें डाल देना है सिंपल, ताकि ये ठंडा हो सके। ठीक है, और इजी वे में हम इसे ऊपर से जो ग्लॉसी पेपर है उसको हम इजी वे में कवार सकें, इसलिए आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल वाटर में डाल सकते हैं। ठीक है, जब ये हो जाए, जैसा आप देख सकते हैं ये हो गया है, थोड़ा सा भींग गया है, ज़्यादा नहीं, बस इसे हल्का से गीला करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, जब ये हो जाए तो आप इसे उखाड़ सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा और रख दीजिए पानी में, ताकि बढ़िया से उखड़ जाए। ठीक है, थोड़ा सा देर होगा लेकिन बढ़िया से होगा। जब आप इसे इस तरीके से करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका। आप डायरेक्ट अगर उखाड़ते बिना पानी में डाले हुए, बिना वाटर में डाले हुए अगर आप उखाड़ते तो क्या होता है कि साथ में साथ आपके ये भी जो प्रिंट है वो भी वापस आपके साथ उखड़ सकता था। इसलिए तो थोड़ा सा देर हो लेकिन आप पानी में डाल के करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे से आएगा। थोड़ा और डाल लीजिए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है। देखिए, हो गया है। अब थोड़ा सा इसे डाल दीजिए ताकि ये भी वापस बाहर आ जाए। आप देख सकते हैं कि ये पीसीबी के ऊपर प्रिंट हो गया है, बस ये थोड़ा सा पेपर बचा है, इसे उखाड़ना है। इसे कुछ इस तरीके से उखाड़ दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको करना है। जब ये पूरा ग्लॉसी पेपर जब आप मतलब ऊपर से उखाड़ देंगे तो फिर देखिए कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये प्रिंट हो गया है तो एक इसका केमिकल आता है, उस सॉल्यूशन में से क्या करना पड़ता है, इसे थोड़ा देर रखना पड़ता है, जिसके वजह से क्या हो गया, ऊपर का सारा कॉपर निकल जाएगा और जो जो प्रिंट है वहाँ का सारा कॉपर रह जाएगा। तो मैं अभी उस केमिकल में करके आपको बताता हूँ किस तरीके से किया जाता है।
फिर उसके बाद देखिए ये एक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, ये कॉपर हटाने के लिए सॉल्यूशन है, फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, FeCl3 ये मार्केट में अवेलेबल होता है, आप इसे खरीद सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे FeCl3 है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का गर्म करना है। उसके बाद इसमें से एक चम्मच डेढ़ चम्मच अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इसे मिला सकते हैं, ठीक है। फिर इसे यहाँ से ऐसे ले करके आप इसे मिला लीजिए इसमें, देखिए कुछ इस तरीके का हो गया, देख सकते हैं ये हो गया, इसका सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब करना क्या है, आपको सिंपल रखना, ये लेना है पीसीबी और पीसीबी को इसमें डाल देना है। अब आपको इसमें थोड़ा सा आपको मूव कराना होगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको करके यहाँ पे ऐसे से हिलाना होगा, मूव कराना होगा, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जब इस तरीके से कीजिएगा थोड़ा देर जब करने के बाद, तो क्या होता है इसमें से कॉपर जो भी एक्स्ट्रा कॉपर है उसके अलावा, प्रिन के अलावा जो एक्स्ट्रा कॉपर है वो निकलने लगता है। आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से निकलता है, जैसा कि आप देखिए इस तरीके से करते रहिए, आपको इस तरीके से करते रहना, देखिएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्का हल्का कॉपर जो है वो निकलने लगा है। देखिए इसका कलर जो है थोड़ा सा डिसकलर होने लगा, पहले किस कलर का था अब किस कलर का होने लगा। तो ये धीरे धीरे ऐसे करके ये जो भी कॉपर इसके हैं वो निकल जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से करते रहना है, थोड़ा देर वेट करना होगा, तो आप इसे करते रहिए तो हो जाएगा। कुछ समय बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि बहुत मतलब कि कुछ टाइम बाद जब मैंने आपको मिलाया इसे, तो इसके बाद देखिए जितना भी यहाँ पर कॉपर था, जितना भी कॉपर था आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो सबका सब हट गया है। जितना भी कॉपर था देखिए प्लेन इसके तरह हो गया, जितना भी कॉपर था वो सब हट गया, लेकिन जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जितना भी यहाँ पे प्रिंटिंग है उन सब के अंदर कॉपर है। तो अब आपको क्या करना है, या तो आप इसको थिनर से साफ कर सकते हैं, या फिर आप इसे वॉश कर दें बढ़िया से, ठीक है, आप इसे नल के ऊपर ले जा करके वॉश कर दें, या फिर इसे थिनर से साफ कर दें, ठीक है। तो मैं इसे वॉश करके लाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। वॉश करने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपका पीसीबी रेडी हो गया है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपके पास अगर ड्रिल मशीन है, मतलब कि अगर आपके पास हैंड वाला ड्रिल है, तो आप हैंड वाले ड्रिल से जहाँ जहाँ पर होल है आप वहाँ पर होल कर सकते हैं, और या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक ड्रिल है तो आप इलेक्ट्रिक ड्रिल से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर ही आप पीसीबी को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।